इंसानों की एक बीमारी पर रिसर्च करने के लिए 1967 में कुत्तों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट का पहला भाग था दो कुत्तों को दो अलग चीजों के लिए ट्रेन करना। इसके लिए इन दोनों बेचारे कुत्तों को दो अलग डब्बों में रखा गया। इस डब्बे का फर्श लोहे का था और इस लोहे में हर थोड़ी देर में करंट छोड़ा जाता था। पहले डब्बे में एक बटन भी लगा था और इस बटन को दबाने पर बिजली के झटके लगना बंद हो जाते थे। इस डब्बे में जो कुत्ता है उसका हम नाम देते हैं लकी। एक ऐसा ही बटन दूसरे डब्बे में भी लगा था लेकिन इस बटन को कनेक्ट नहीं किया गया था और इसे दबाने पे बिजली के झटके नहीं रुकते थे। इस डब्बे में जो कुत्ता है उसका हम नाम देते हैं हीरो। बिजली के झटके शुरू होने के थोड़ी देर में लकी को तो समझ में आ गया कि वो बटन दबा के बिजली के झटकों से बच सकता है, लेकिन अफसोस हीरो के पास तो ये चारा ही नहीं था। लेकिन इन बेचारे कुत्तों की मुसीबत खत्म होने में इस एक्सपेरिमेंट का भी एक और भाग बाकी था। अब की बार फिर कुत्तों को एक ऐसे डब्बे में डाला गया जिससे उनको बिजली के झटके दिए जा सकते थे, लेकिन अब की बार बटन की बजाय इन डब्बों में एक खिड़की थी जिससे वो कूद के भाग सकते थे। बिजली का पहला झटका लगते ही लकी खिड़की से बाहर कूद गया, पर जो अजीब बात हुई वो ये कि हीरो वहीं बैठ के झटके लगवाता रहा जबकि वो खिड़की से बाहर कूद सकता था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेरिमेंट के पहले भाग में जब लकी को बिजली के झटके लगने शुरू हुए तो उसने बटन दबा के बिजली के झटकों को रोकना सीख लिया और साथ ही साथ उसने ये भी सीखा कि हम हाथ पैर मार के अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हीरो का बटन कनेक्टेड नहीं था तो ना तो उसने बिजली के झटकों को रोकना सीखा और ना ये कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के दूसरे भाग में जब वो बिजली के झटकों से दूर भाग भी सकता था वो एक कोने में दुबक के बैठा रहा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। कभी बचपन में या किसी रिश्ते में अगर हालात बहुत समय तक खराब हैं और हमारे हाथ से बाहर हैं तो हमारे अंदर वो निराशा इस कदर घर कर लेती है कि जब परिस्थितियां हमारे हाथ में भी हों तब भी हम उनके बारे में कुछ नहीं करते, और कई लोगों में तो ये निराशा डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है। पर ऐसा हो तो इससे पहले इस निराशा से जूझने का एक सरल उपाय है। विषम परिस्थितियों में बजाय कि हम कहें कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाता, हमें कहना चाहिए मैं कभी कभी कुछ चीज़ें हालात की वजह से नहीं कर पाता।